दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि SBI ऑटो सूट फैसिलिटी को एनेबल कैसे किया जाता है। अगर एनेबल करते समय कुछ इस तरह का एरर आ रहा है तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। SBI ऑटो सूट फैसिलिटी को एनेबल करने के लिए आपको SBI के नेट बैंकिंग में लॉग इन करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे www.onlinesbi.com पे यहाँ पे लॉग इन हो जाते हैं, और लॉग इन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नेट बैंकिंग ओपन यहाँ पे हो चुका है। नेट बैंकिंग ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख, इसके बाद यहाँ पे देखिए थ्री लाइन एक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा फिक्स डिपॉजिट का, तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा जाएगा ऑटो स्विच फैसिलिटी का। जैसे ही ऑटो स्विच फैसिलिटी पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरह का एरर शो करता है। देयर इज नो ट्रांजैक्शन अकाउंट अवेलेबल विथ योर यूजर नेम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू SBI प्लस। एरर ये क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका अकाउंट है सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पे आपका जो सेविंग अकाउंट है वो SBI प्लस में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी आपको जो है SBI ऑटो स्विच फैसिलिटी का आप लाभ ले सकते हैं। और सेविंग अकाउंट प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हम होम पेज पे आ चुके हैं। फिर से थ्री लाइन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने में फिर से एक नया पेज खुल जाता है। पेज को ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्विप क्रिएशन फॉर CSA, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे भी आपको एक एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, तो आपके पास सैलरी अकाउंट होना चाहिए, तब आप जो है नेट बैंकिंग से जो है ऑटो स्विप फैसिलिटी का आप लाभ ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो मुख्य रूप से ये पता चला होगा, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑटो स्विप फैसिलिटी को एनेबल करना चाहते हैं तो या तो आपके पास सेविंग अकाउंट प्लस होनी चाहिए और नहीं तो सैलरी अकाउंट होनी चाहिए। तो दो अकाउंट आपके पास होना चाहिए तब आप इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं ऑटो स्विप फैसिलिटी। जिनके पास सैलरी अकाउंट है तो उनको परमिशन मिल जाता है कि आप नेट बैंकिंग के द्वारा ऑटो स्विप फैसिलिटी को एनेबल कर सकते हैं। तो जिनके पास सेविंग अकाउंट है वो क्या करेंगे, सवाल ये आता है, उसको जो है आपको SBI सेविंग अकाउंट प्लस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा अकाउंट को। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, तो मैंने कस्टमर केयर से बात किया है, आप इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। सर मेरे को SBI ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी के बारे में जानकारी चाहिए। निश्चिंत रहिए, इस विषय में आपका पूरा सहायता किया जाएगा। तो जो ऑटो स्विफ्ट जो फैसिलिटी होता है ये सैलरी जो अकाउंट रहता है, ठीक है, सैलरी पैकेज अकाउंट, उसमें दिया जाता है और सेविंग प्लस अकाउंट में रहता है सुविधा। जी सर, तो मेरे पास सर सेविंग अकाउंट है सर, सेविंग प्लस अकाउंट नहीं है, तो कैसे होगा सेविंग प्लस अकाउंट? ब्रांच में जाइएगा, KYC डॉक्यूमेंट लेके उनको वहाँ से बोलिएगा, वहाँ से आपको कन्वर्ट करवाएगा सर सेविंग्स प्लस अकाउंट में। जिस ब्रांच में हम खाता खोला है उसी ब्रांच में हमें जाना पड़ेगा? जी जी, कोई मात्र ब्रांच से जाके ही कर सकते हैं। अगर हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो कोई फैसिलिटी नहीं है एक्टिवेट करने के लिए? वो आपका नेट बैंकिंग से नहीं होगा, एकमात्र जो उपाय है एकमात्र ब्रांच से ही कर पाएंगे। ऊपर से ऑल्टरनेट से नहीं होता है, ब्रांच पे जाके ही उसको चालू कर सकते हैं। अच्छा सर बताइए, जैसे मैं इसको एक्टिवेट करा लूंगा, एनेबल करा लूंगा, कितना बैलेंस मेंटेनेंस करना पड़ेगा? मेंटेनेंस बैलेंस का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट वहाँ पर तो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, फिर भी अगर हम चेक करवा लेते हैं। अच्छा, कोई मेंटेनेंस बैलेंस सेविंग्स अकाउंट प्लस अकाउंट में दिया गया है? जी, जो मैं ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी एनेबल कराऊंगा तो कितना बैलेंस रहेगा मेरे खाते में तो ये फैसिलिटी काम करेगी? जी, ये फैसिलिटी तब काम करेंगे जब आपके खाते में 35,000 होगा, ठीक है, तो 10,000 आपका ऑटो स्विफ्ट में चला जाएगा मोटी में, और 25,000 आपका जो है खाते में रह जाएगा सर। के लिए सर मैं इसको एनेबल करा लिया, ठीक है सर? जी जी। तो अगर हम 35,000 या 25,000 मेंटेनेंस नहीं कर पाया किसी कारण, हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसमें तो कोई चार्जेस कुछ नहीं, उसमें चार्जेस ऐसा कुछ नहीं है। बट ये आपका ऑटो स्विफ्ट तभी होंगे जब 35,000 होंगे, उससे अगर नीचे रखते हैं तो ऐसा कोई असुविधा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि SBI ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी किस में दिया जाता है। अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है तो आपको परमिशन मिल जाता है, आप नेट
बैंकिंग के द्वारा ऑटो स्विप फैसिलिटी को आप एनेबल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, जिनके पास सेविंग अकाउंट है वो ऑटो स्विप फैसिलिटी का कैसे लाभ ले सकेंगे? तो उनके लिए मात्र एक साधन है, आप अपने ब्रांच जाए जहाँ पर आपने खाता खुला है, वहाँ से आप ऑटो स्विप फैसिलिटी को एनेबल कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप एनेबल नहीं कर सकते हैं, ना ही एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से परमिशन दिया जाता है, लेकिन जिनका सेविंग अकाउंट है वो नेट बैंकिंग के द्वारा एक्टिवेट ऑटो स्विप फैसिलिटी को नहीं कर सकते हैं, उसको तो ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। ब्रांच में जाने के बाद आप मैनेजर साहब को बोलेंगे, सर हमको जो है ऑटो स्विप फैसिलिटी को एनेबल करना है, तो वो एक फॉर्म देंगे केवाईसी वाला, वो आप फिलअप करेंगे। उनका जो सेविंग अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट प्लस में अकाउंट को कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका जो है ऑटो स्विप फैसिलिटी को चालू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने SBI अकाउंट में ऑटो स्विप फैसिलिटी को चालू कर सकते हैं। बहुत सारे YouTube वीडियो में आपने देखा होगा कि ऑटो स्विप फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में कैसे एनेबल करें, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। सेविंग अकाउंट प्लस में ये फैसिलिटी को दिया जाता है और सैलरी अकाउंट में ये फैसिलिटी आप ले सकते। SBI कस्टमर केयर से भी आप बात कर सकते हैं और मैं आपको SBI कस्टमर केयर का नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप बात कर सकते। और वीडियो में इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।